Sorry, now I am recording the session, okay? Now I am recording this session, and after recording this session, I am going to put this on YouTube, and I have a YouTube channel now as well. So from that YouTube channel, aap log jo aaj ka session hoga, isko access kar sakte ho, okay? और बाकी लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आप लोग भी नजर आओगे। आपको आज जो मैं पीपीटी दिखाऊंगा वो पीपीटी भी नजर आएगी। तो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पिछले 5-6 दिनों से मैं सोच रहा था, पिछले एक हफ्ते से जब से ये लॉकडाउन हुआ है, कि अब हम ऑनलाइन कैसे आए कैसे जाए। तो मुझे ये जूम का प्लेटफॉर्म काफी अच्छा लगा है, और इसके थ्रू ही हम लोग जो है तो यहाँ पे इकट्ठा हो पा रहे हैं। और जैसे लोग देख रहे हैं कि कुछ दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं, आवाज टूट रही होगी, नेटवर्क के इशू हो सकते हैं, ओके। बट इस चीज के अंदर में हमको सबसे पहली चीज है कि ये कंसिडर करना चाहिए, उसको हम कहते हैं सबर, ओके, पेशेंस। पेशेंस रखना 30-40 मिनट के लिए, आवाज टूटेगी फूटेगी, पहला सेशन है, समझ में आएगा कि इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाए, ओके। आप लोगों को समझ में आता है, आप लोग अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हो कि किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज कर सकते हैं। जूम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां से वो मीटिंग का टाइमिंग आएगा, लिंक आएगा, उस टाइम चले जाओ, आराम से सारी चीजें होती है। म्यूट अनम्यूट कैसे करना है, बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी का जो भी काम है वो ट्रेनर इंस्ट्रक्टर जो यहाँ से बैठा है वो करेगा, ओके। आई एम स्टिल सिटिंग इन माई होम, और मैं भी अपने घर से बैठे बैठे ही काम कर रहा हूँ, ओके। And I am sitting my completing finishing my tea. Okay, fine. So आप लोग भी अपनी चाय वगैरह लेकर बैठ सकते हो या टाइम शाम के टाइम में, क्लियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस थिंग, कि ये जो मीडियम है, लॉकडाउन है, सभी लोग घर में रहो, सभी लोग सुरक्षित रहो, सेफ रहो, अपने घर वालों को सेफ रहने के लिए कहो, फाइन। और मैं अब अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, जिसके ऊपर में हम छोटा सा एक पीपीटी देखेंगे। आप सबको वो पीपीटी नजर आएगी यहां पर, ओके। और वो पीपीटी होगी फार्माकोलॉजी के बेसिक्स के ऊपर में। तो ये पहला सेशन मैंने बहुत ही छोटा रखा है, ताकि आप पे आप नहीं सुन पा रहे थे, अभी मैंने अनम्यूट किया है आपको। मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो आप लोग? यस और नो बोलो कुछ। हेलो, मुझे सुन सकते हो देख सकते हो? ऐसे ऐसे बताओ, थम बताओ ऐसे। मैं पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर रहा हूँ, सब लोग अनम्यूट हो चुके हैं अभी इस वक्त, ओके। अभी मैं मुझे सुन सकते हो? शहबाज नहीं, कोई नहीं सुन रहा, मुझे सुन सकते हो आप लोग? यस सर, सुन सकते हो सर? लाउड जोर से बोलना पड़ेगा। यस सर, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है यार, आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है? अटक अटक क्या आ रही सर? अटक क्या आ रही है? आपका माइक बहुत दूर है, ओके। लेट मी ट्राई अनदर थिंग, ओके। देखिए, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, आपके आसपास में सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं, फाइन। हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी के चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों को मेरी अगर इससे आवाज नहीं आ रही है, लेट मी स्क्रीनशॉट लेना इसको। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है।
आ रही आवाज? ओके गुड, वेरी गुड। अभी देखिए आ रही है, थोड़ी कटेगी आवाज, नो इश्यूज, क्योंकि जो है तो हम लोग बात कर रहे हैं। अटक कर आ रही है, अटक कर आए तो बच्चा अटक के, हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं। अभी आ रही आवाज? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलिए देखिए, अब ये जो मैंने बताया आपको, ये मीडिया में हमारा, इसके थ्रू जैसे जैसे लोग आएंगे हम लोग और आगे काम करेंगे। नहीं आ रही आवाज? शहबाज आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ सर बात करो, आ रही है आवाज? देखिए दूसरा जो डिस्टरबेंस है ना, वो सबसे ज्यादा किस चीज का होता है, लेट मी टेल यू, जो आप लोगों के घर में आस पास में आवाजें आती है उसका भी बहुत बड़ा एक जो है तो डिफरेंस होता है। मैं अभी ये शादाब अदनान को जो है तो मैं अनम्यूट करने वाला हूँ ताकि वो सुन सके और वो बता सके कि शादाब। हेलो शादाब। सर हाँ शादाब, आवाज आ रही है मेरी? कम आ रही है सर, कम आ रही है, लो आ रही है अभी? अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है जी। अभी अच्छी आ रही है आवाज? अब सही आ रही है थोड़ी, अभी सही आ रही है। ओके ठीक है, चलिए नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। और ये जो मैं स्क्रीन आपके साथ में शेयर करूंगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक पीपीटी है, ओके, और दिस पीपीटी इज गोइंग टू बी एज यू कैन सी अवर लोगो ऑफ जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओके, यहाँ पे जो आपका मैंने प्रेजेंटेशन बना रखा है, दिस विल बी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, ड्रग नोमेनक्लेचर एंड डिफरेंट ड्रग डोसेज फॉर्म, फाइन। इसके ऊपर में हम आज जो लेसन प्लान हमारा है उसके अंदर में हम पढ़ेंगे, आउटकम होगा इसका डेफिनेशंस, उसके बाद में थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर, फार्माकोपिया, रिसेप्टर लिगैंड मॉडल एंड ऑल दोस थिंग्स। सो व्हाई डू वी स्टडी फार्माकोलॉजी? एक तो ये अच्छी चीज है और हम डायरेक्ट डेफिनेशंस पे जाएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग? वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रॉग व्हिच मींस अ ड्राई हर्ब, बायोलॉजिकल active chemical substance used for diagnosis, prevention and treatment of a disease known as drug. Okay. WHO ka definition hai any substance or product used to modify physiological system or pathological states for the benefit of the recipient is known as drug. Some other definition, which is our courses definition, our course is pharmacology and toxicology. Hamara jo course ka definition hai, branch of medicine that deals with the uses, इफेक्ट एंड मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग कैसे काम करता है, उसके इफेक्ट क्या है और उसके यूजेस क्या है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज फार्माकोलॉजी। ओके, साइंस ऑफ ड्रग, फार्माकोन मीन्स ड्रग, लोगोस मीन्स डिस्क्लोजर और स्टडी। सो इन शॉर्ट वी नो दैट फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो सेशन है, हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है, फाइन ऑलरेडी ही, बट वी आर डूइंग द रिविजन पार्ट जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों का रिविजन होते रहे ऑनलाइन और आप लोगों का जो शैतान का घर है ना बने आपका खाली दिमाग। ओके, देन देयर इज समथिंग कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रग, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज अनदर डेफिनेशन, साइंस दैट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्ट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अलग एक और एक ये ब्रांच है फार्माकोलॉजी की ही, जिसमें रिएक्शन क्या होते हैं ड्रग के, उसके थेरेप्यूटिक वैल्यू क्या होता है ह्यूमंस में, उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, सेफ्टी, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, एडीएमई जिसको हम बोलते हैं, ये सारी की सारी जब स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज फार्माको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, दैट टू इन ह्यूमंस। ओके,
then there are two parts, as we know, pharmacokinetic and pharmacodynamic. Okay, pharmacokinetic means what body does to the drug. Okay, when you are taking any drug, any tablet, capsule or any form of medicine, there can be two chances ki do cheeze hogi. One thing, what the drug is doing to the body, and another thing is what body is doing to the drug. Body drug ke sath kya karti? The body drug ke sath char kaam karti hai. Ek to absorb karti hai drug ko, uske baad mein usko distribute karti hai body ke different compartment mein, then uska metabolism hota hai body mein hi enzymes ke through, and then it is been excreted. Wo excrete ho jati hai through different channels like urine, feces, saliva, sweat, etc. Okay, ye channels ke through wo excrete ho jati hai. That particular part is known as pharmacokinetic. Okay, next comes pharmacodynamic, that is called the what drug does to the body. Okay, ab humne ye to samjha ki body drug ke sath kya karta hai. To body drug ke sath karta hai कि जब आपने एक गोली खाई तो वो गोली पहले बॉडी आपकी एब्जॉर्ब करेगी, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अलग अलग बॉडी की जगह पे जाएगा वो ब्लड के थ्रू, एंड देन उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होगा और देन उसका एक्सक्रीशन होगा. ओके, देन अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक. फार्माकोडायनेमिक इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब के ड्रग आपके बॉडी के साथ क्या करता है. दैट इज द एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग. ओके, दैट इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक. ओके, और जो ड्रग एक्शन देता है तो उसको उसके पहले किसी ना किसी एक मीडियम के थ्रू एक्शन देता है. आइदर इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन वन पर्टिकुलर एंजाइम, रिसेप्टर, आयन चैनल और कैरियर मॉलिक्यूल. ये चार पांच चीजों में से कहीं जाके वो उसको एक्ट करेगा, या तो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा, या तो एंजाइम का वो इनिबिशन करेगा या उसका इंडक्शन करेगा. मतलब एंजाइम बनाने के लिए या तो उसको वो बॉडी को मजबूर करेगा या तो जो एंजाइम है उसको इनिबिट कर देगा, बंद कर देगा, और उसके बाद में यू आर गोइंग टू गेट द इफेक्ट. ओके, सो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक, दैट इज एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. अनदर पार्ट इज फार्माकोडायनेमिक, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. That is quantitative study of the biological and therapeutic effect of drug. मतलब के mechanism of drug, in short we know it as MOA, mechanism of drug. Okay, that is MOA, mechanism of drug action. Fine. इसकी कुछ allied branches है. Allied branches का मतलब होता है कि pharmacology के साथ में कुछ और branches जुड़ी हुई है. Those branches are known as allied branches. Okay. तो इसकी डेफिनेशंस भी आपके बुक में दी हुई है. फार्माकोजेनेटिक्स है, मतलब कि द स्टडी ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइंड डिफरेंसेस इन ड्रग इफेक्ट एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म. इसका मतलब ये होता है कि हर ड्रग, जैसे कि आपने एक ड्रग ली, तो हर ड्रग इंडिविजुअल के बॉडी में अलग अलग हिसाब से इफेक्ट देती है. मेरी बात समझ में आ रही है? यू आर गेटिंग मी? प्लीज से लाइक दिस. आपका थंब ऊपर होना चाहिए. ओके, आप ऐसे थंब ऊपर करके बता सकते हैं मेरी आवाज आ रही है और मुझे समझ पा रहे हो तो. ओके, लाइक दिस. शादाब, लाइक दिस. ओके, फाइन. मैं शादाब को अनम्यूट कर देता हूँ ताकि वो कुछ बोल सके, ताकि मुझे ये तो समझ में आए कि आप लोग सब बोल पा रहे हो. शादाब. यस सर. सुनाई दे रही है मेरी बात? हाँ आ रही है सर, लेकिन लो वॉइस है सर. लो वॉइस है मतलब कि कम आ रही है. इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं, अभी भी कम आ रही है. यस सर. ओके, थोड़ा हाँ थोड़ी कम आ रही है सर अभी. चलेगा इतना? हाँ ठीक है ठीक है. इतना चाहिए? इतना चाहिए ना. ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि हम ऑनलाइन मोड पर बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको हर चीज अपने हिसाब से नहीं होगी. जो मैं क्लासरूम में जैसे टीचिंग करता हूँ कि मेरी आवाज लास्ट बेंच तक चली जाएगी. ओके, यहाँ पे कुछ अटक के आएगी, कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस होंगे, अलग अलग चीजें होगी. ओके, और आपने जो तो आई थिंक ईयरफोन नहीं पहना है. हाँ सर. हाँ, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आपने ईयरफोन नहीं पहना है. अपने अपने अपना जो आपका मोबाइल फोन है उसका वॉल्यूम, उसका स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर दो. ओके, अच्छा. कौन है जिसने जो है तो मोबाइल स्पीकर ये पहना है? हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? कौन है ऐसा जिसने स्पीकर पहना है, सॉरी ये पहना है हेडफोन?
शहबाज पठान, शहबाज आप बोल सकते हो, मैंने आपको ऊपर से मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। शहबाज आप बोल सकते हो, शहबाज आवाज आ रही है, शहबाज आवाज आ रही है। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी देखिए यहाँ पे अभी एपिडेमियोलॉजी का भी मतलब आपको आज के जो दौर है मैं उसके हिसाब से आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये दो वर्ड है, वन इज फार्माको, अनदर वन इज एपिडेमियोलॉजी। ओके एपिडेमी एपिडेमिक होता है किसी भी चीज का फैलाव। ओके किसी भी चीज का फैलाव दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमिक्स। जैसे कि अभी जो डिजीज आई है सबको पता है विच इज द डिजीज, क्या नाम है इसका, कोरोना वायरस, कोविड 19 डिजीज है ये। ओके कोविड 19 कोरोना वायरस डिजीज 19। ओके अभी कोविड 19 जो डिजीज है इसका पहले एपिडेमिक हुआ चाइना में। ओके एंड देन चाइना में एपिडेमिक होने के बाद में ये वर्ल्ड वाइड फैल गया तो उसको कहते हैं पेंडेमिक। उसको क्या कहते हैं, पेंडेमिक। अब ये पूरी वर्ल्ड में डिजीज फैल चुकी है, हमारे इंडिया में ये एपिडेमिक कहलाएंगे अभी। ओके क्योंकि इंडिया में है। ओके बाहर हो रही है पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में। इसी तरह से फार्माको एपिडेमियोलॉजी ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मतलब इसके अंदर में कितना आपका जो ड्रग है उसका यूज कैसे हो रहा है, उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फार्माको एपिडेमियोलॉजी। ओके एक ड्रग जो है वो अलग अलग लोगों में पूरे लोगों में किस तरह का इफेक्ट बताती है। देन कम्स फार्माको इकोनॉमिक्स, दैट इज द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी टू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी। कि एक जो ड्रग है वो कितना उसका कॉस्ट होगा, वो लोगों को कितना इफेक्ट देगी और किस तरह से उसके ऊपर में हम जो है तो मतलब लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। मतलब 10 रुपए की दवा है अगर तो क्या उसका जो वैल्यू है, प्राइस 10 रुपए है बट उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या लोगों को 10 रुपए के हिसाब से उसको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फार्माको इकोनॉमिक्स। ओके इसी तरह से देखिए आप फार्माको विजिलेंस होता है कि इसके अंदर में असेसमेंट होता है कि किस तरह से जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसको मॉनिटर करना इज नोन एज फार्माको विजिलेंस। देन कम्स टॉक्सिकोलॉजी जो कि हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है, हमारे कोर्स का पार्ट है, स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स लाइक पॉइजन्स जो होते हैं उसकी स्टडी, या ड्रग के से जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उसके स्टडी को कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ओके देन ड्रग नोमेनक्लेचर में मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा डीप में। प्रोप्राइटरी नेम होता है आपको सबको पता होगा, थेराप्यूटिक गाइडलाइंस है ये कि 3 कैटेगरीज होती है, केमिकल और मॉलिक्यूलर और साइंटिफिक नेम होता है, जेनेरिक और प्रोप्राइटरी नेम होता है एंड देन ब्रांड नेम होता है। केमिकल और मॉलिक्यूलर नेम ये होता है जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ओके आपका जो PC2 है उसमें पढ़ते हो 1,2,3 डायमिथाइल है ना, ये दैट इज दी केमिकल नेम। देन जेनेरिक नेम लाइक पैरासिटामोल। ओके पैरासिटामोल इज द जेनेरिक नेम एंड देन कम्स द ब्रांड नेम। ब्रांड नेम और ट्रेड नेम लाइक क्रोसिन इज द ब्रांड नेम। ओके समझ में आ रही है बात, तो ये होता है डिफरेंस। ये 3 कैटेगरी में नाम होते हैं। केमिकल नेम जैसे कि 1-isopropyl ये प्रोपेनो 2-lol है, इसका जो जेनेरिक नेम है दैट इज प्रोपेनोलॉल विच इज अ बीटा 2 ब्लॉकर। ओके जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं। अब इसका आप ट्रेड नेम या ये देखोगे तो मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो कंपनी वाले होते हैं वो अपने हिसाब से इसका नाम रखते हैं, शॉर्ट नेम रखते हैं, जैसे इसका नाम है इंडेरॉल। ओके एक नाम दिया है। फार्माकोपियास के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि बहुत सारी चीजें हैं, ये रिसेप्टर एंड लिगैंड पे हम डायरेक्ट जाएंगे। रिसेप्टर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ओके जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, हर सेल सरफेस के ऊपर होता है या तो सेल के अंदर में होता है, यूजुअली सेल सरफेस के ऊपर में होता है, टू विच अ सिग्नल मॉलिक्यूल में अटैच। ओके कोई भी एक सिग्नल मॉलिक्यूल है वो उसके ऊपर में जाके अटैच हो जाता है। अभी जो मॉलिक्यूल है विच बाइंड्स टू अ रिसेप्टर इज कॉल्ड एज अ लिगैंड। अब ये लिगैंड मॉलिक्यूल ये होता है जिसकी एफिनिटी होती है। ओके इसकी क्या होती है, एफिनिटी होती है। ओके ये जो एफिनिटी होती है ये समझ लो ये एक रिसेप्टर है और ये एक लिगैंड मॉलिक्यूल है, ये इसकी एफिनिटी है। गॉट इट, ये इसके साथ जुड़ने की एफिनिटी है। फाइन अब ये कोई एक पेप्टाइड हो सकता है, हार्मोन हो सकता है या फार्मास्यूटिकल ड्रग हो सकता है। ओके हमारे बॉडी में ऑलरेडी लिगैंड होते हैं जैसे कि हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बट और ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। ओके उसको स्टिम्युलेट करते हैं, हमारी बॉडी में जो है तो डिफरेंट फंक्शंस इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फाइन अब जब
ये कम हो जाते हैं तो हम बाहर से कुछ ऐसे सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे आपको एनिमेटेड वे में ये दिख रहा है, लग रहा है समझ में आ रहा है इसमें से? यस सर। ये जो है ये रिसेप्टर है, जब ये इसके ऊपर में लिगेंड आके जुड़ता है, ओके, जो रेड कलर का ये दिख रहा है आपको सिंबल, अभी ये एक्टिवेट नहीं है। अब देखिए जैसे ये लाल कलर का मॉलिक्यूल लिगेंड आके जुड़ा तो इसने क्या किया, एंजाइम आया और वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ओके, रिसेप्टर है वो पिंक कलर का सेल मेम्ब्रेन है, वहां से आके जो है तो लिगेंड जुड़ा एंड देन द जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल था वो क्या हो गया, एक्टिव। ओके, तो यहां से मिलता है इफेक्ट, यहां से मिलता है एक एक्शन। ओके, और जो भी उसका सेलुलर रिस्पॉन्स होगा कि चाहे वो मसल का कॉन्ट्रेक्शन करे या मसल को रिलैक्स करे, समझे, सीएनएस को स्टिमुलेट करे या सीएनएस को डिप्रेस करे, तो ये सारे जो इफेक्ट है ये प्रोसेस के बाद में होता है और हर ड्रग मॉलिक्यूल किसी ना किसी एक रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है। फाइन। ओके, देन अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, मैंने जैसे बताया अगोनिस्ट वो मॉलिक्यूल होता है दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स बाय सेल बाय बाइंडिंग द रिसेप्टर। दोनों अगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, रिसेप्टर को दोनों बाइंड करते हैं। ओके, अगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को डीएक्टिवेट करता है। गेटिंग मी? रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, अगोनिस्ट, और डीएक्टिवेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। गॉट इट? सो ये है सिंपल चीजें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए अगोनिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आएगा बाइंड करेगा, फुल एंड पार्शियल अगोनिस्ट होते हैं जो 100% या 50% रिस्पॉन्स देते हैं। इसी तरह से एंटागोनिस्ट होते हैं, जब एंटागोनिस्ट बाइंड करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे अगोनिस्ट भी है और एंटागोनिस्ट भी है, दिख रहा है मुझे यहाँ से, है ना, ये जो पार्ट है ये अगोनिस्ट है एंड दिस इज द एंटागोनिस्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes. अब ये क्या है, कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटेटिव मतलब कि एक दूसरे के साथ में बोथ आर फाइटिंग। क्लियर, दोनों भी रिसेप्टर के साथ जुड़ने के लिए फाइट करते हैं, कॉम्पिटेटिवली कॉम्पिटिशन होता है उसमें। अगोनिस्ट क्योंकि जीत जाता है, अगोनिस्ट इज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर हियर एज यू कैन सी, दिख रहा है, तो ये क्या करता है कि ये रिसेप्टर को कर देता है ब्लॉक, ये क्या कर देता है रिसेप्टर को, ब्लॉक। ओके, और जब ये बाइंड हो जाता है तो इसके ऊपर में अगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पाता है, ड्यू टू दैट यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, जीरो। क्लियर, समझ में आया, मतलब रिसेप्टर हो जाएगा डीएक्टिवेट। क्लियर, ओके, समझ में आई ये बात? देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर, समझ में आ रहा है कि कितना इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे पीपीटी बता रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको लिख कर दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इरेज भी कर रहा हूँ, समझे, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एक्चुअली विच आई कैन सी। ओके, देन हम अपने एनेक्डोट को बंद कर देंगे, देन वी आर गोइंग मूविंग टू अनदर स्लाइड। यहाँ पे एसिटाइल कोलीन का ये था, ये यहाँ पे अभी चालू नहीं होगा। उसके बाद में थेराप्यूटिक रेंज होती है, थेराप्यूटिक रेंज इज समथिंग कि जब आपके बॉडी में ड्रग जाती है तो वो ड्रग जाने के बाद में इट विल बी लाइक कि वो एक उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है। ओके, जैसे कि आपने 500 mg अगर पैरासिटामोल ली है, ओके, तो आपकी बॉडी में पूरा का पूरा 500 mg ब्लड में नहीं जाएगा, वो एब्जॉर्ब होकर जा रहा है। वो अगर सपोज 10 mg या 20 mg, 50 mg, 100 mg अगर वो जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद में उसका एक थेराप्यूटिक रेंज होता है। ओके, उतने रेंज में जो है तो वो इफेक्ट देता है, और वो इफेक्ट देने के बाद में जैसे कि आप ये देख सकते हो, नाउ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे सब एनिमेटेड चीजें रखी है, जैसे कि ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, जितना ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा टाइम इन आवर, वो टाइम इन आवर के साथ बढ़ता है। ओके, यहाँ पे ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है टाइम इन आवर्स। ओके, अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन किसके साथ बढ़ेगा, टाइम के साथ, जितना टाइम बीतेगा उतना एब्जॉर्प्शन होगा, जितना एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पे तीन लाइन दी हुई है, जो सबसे लोएस्ट लाइन है, अगेन आई एम गोइंग टू टेक द एनेक्डोट, दिस लाइन डिनोट्स द सब थेराप्यूटिक लेवल। यहाँ पे सब थेराप्यूटिक लेवल मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन अगर आएगा तो यहाँ पर कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं मिलेगा। देन आई एम टेकिंग द ग्रीन लाइन। अब यहाँ पे आप देखो इतना जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज। थेराप्यूटिक रेंज मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा, ओके, दैट वुड बी लाइक कि यहाँ पे ड्रग हमारा इफेक्ट देगा। फाइन, इतने रेंज के अंदर में इफेक्ट देगा। सपोज यहाँ पे जो है तो 10 mg है, यहाँ पे 10 mg है और यहाँ पर जो है तो
100 mg है. ओके, ये 10 mg से लेके 100 mg के अंदर में ड्रग जो है वो अपना इफेक्ट देगा. फाइन, और बाकी यहाँ पे जो है, मैं सॉरी इसको रेड ले लेता हूँ, यहाँ पर इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट आएगा, लीथल डोज होगा जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है शादाब? यस सर. अब देखिए ये पी कॉन्सेप्ट है, ड्यूरेशन है, ये सब है, यहाँ से ये होता है. फाइन, अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी टाइम हमारे पास कम है, आज हमारी मीटिंग जो है तो लेट शुरू हुई है ऑलरेडी. ओके, सो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग द स्क्रीन नाउ एंड हियर वी आर. ओके, हमारा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब लोग एक दूसरे को देख सकते हैं. आई एम गोइंग टू जस्ट अनम्यूट ऑल, लेकिन धीरे धीरे बात करना, एक एक करके बात करना. ओके, और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना क्योंकि आप लोग क्या है ना, आज काफी लेट आए हो. हेलो, सबने लेट ज्वाइन किया, नो इश्यूज, कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है. हमको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन रखे, चाहे हम वो कल रखे या परसों रखे, ओके, अगेन समबडी इज मेकिंग नॉइज, किसी के घर में नॉइज हो रहा है तो मुझे पार्टिसिपेंट्स म्यूट करना पड़ेगा. कैसा लगा एक्सपीरियंस बताओ मुझे फटाफट. शहबाज, आफ्ताब को मैं कर रहा हूँ, आफ्ताब बताइए. बेस्ट था.